सो अभी मैं हूँ टेक्निक मोटर्स पे यरकॉड राइड से पहले जस्ट अपने बाइक का चेकअप कर लिए आया हूँ. देयर वाज सम लिटिल बिट ऑफ नॉइज इन द रियर ब्रेक पैड तो वो सी थोड़े क्लीन करा लिए हैं. अब और देखते हैं इंजन ऑयल लेवल वगैरह चेक करा लेंगे. वैसे बाइक तो अभी ज़्यादा चला नहीं है बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी श्योर. तो मैंने सर्विस जो अटेंडिंग पर्सन था उसको बोला है, मैंने कहा थोड़ा हेल्प कर दो यार, ज़रा जल्दी कर दो, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा. वैसे मैं टाइम पे आ गया था अपना बाइक देने बट स्टिल यू नो इट्स अ बिग वर्कशॉप सो दे हैव ऑल बाइक्स लाइंड अप. और जनरली होता क्या है कि ये वीकेंड से पहले जो बाइक्स होते हैं और इमीडिएट वीकेंड के बाद बहुत ज़्यादा इनके पास रश हो जाता है जो कि मैंने देखा है. बट दे मेक श्योर कि मतलब अगर आपका कोई मेजर पॉइंट है तो वो आपको बता देंगे या जो अटेंडिंग जो रिक्वायर्ड. सो वो रहा मेरा बाइक. सो उसका ऑलमोस्ट फिटमेंट कंप्लीट हो गया है. सो फ्रंट शॉक कवर मैंने इंस्टॉल कराना था, अब वो इन लोगों ने फिट कर दिया है. उसके बाद अब नेक्स्ट इज़ द बेसिक चेक्स लाइक इंजन ऑयल चेक होगा, क्लच टाइटनिंग होगी अगर रिक्वायर्ड है. देन उसके बाद फ्रंट डिस्क पैड जो है वो क्लीन होंगे, इंजन ऑयल लेवल चेक होगा एंड दो चार चीज़ें और ये चेक करते हैं, चेन ल्यूब वगैरह चेक करते हैं, चेन टाइटनिंग चेक कर लेंगे. सो दीज आर द बेसिक चेक्स विच वन शुड इंश्योर बिफोर राइडिंग. सो अब लगता है कि बाइक रेडी हो गया है तो लगता यही है कि सारे पॉइंट्स अटेंड कर लिए हैं इन लोगों ने, क्योंकि बे से बाहर निकाल लिया बाइक. सो आई गेस पहले ये लोग टेस्ट करेंगे बाइक को एंड देन प्रॉबेबली देन दे विल हैंड ओवर द मोटरसाइकिल टू मी, जो भी इश्यूज हैं जो भी पॉइंटर्स हैं इसके एक बार ही जाके चेक कर लेते हैं. सो गाइज बाइक रेडी हो गया है, वॉशिंग भी हो गई है, इंजन ऑयल भी चेक हो गया है एंड वी आर लुकिंग फॉर द राइड टू यरकॉड एंड कोली हिल्स. तो अब देखते हैं कि और कुछ चेक पॉइंट्स रह गए हैं कि सब कुछ कंप्लीट है, वो सब देखना होगा अभी. मोस्ट ऑफ थिंग्स मेरा बाइक जो था टेक्निक मोटर्स पे मैं ले गया था और वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से उसे चेक कर लिया, जो भी थोड़े बहुत इंजन ऑयल टॉपअप्स थे वो ख़त्म कर दिए. बस आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड कि अब कल एक नया ग्रुप है जिसके साथ राइड करना है और दीज पीपल आई एम राइडिंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो लेट्स सी हाउ इट गोज और नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा एंड वी कैन वेट फॉर रेस्ट ऑफ देम. सो या राइट नाउ अप्रॉक्सीमेटली से हाउ मेनी 6-7 बाइक्स आर हियर. I was the first one to reach, but अभी देखते हैं कि क्या बनता है और we are going to hit to next breakfast point. ठीक है तो अब breakfast point जाएंगे, कुछ खाएंगे और वैसे भी early morning है तो traffic कम है तो एक अच्छी speed पर हम लोग ride कर सकते हैं and we can cover larger distances. तो देखते हैं कि अब क्या है, चांद पूरा है देखिए. Good morning, sir. Good morning, boss. Right, actually. We So, when are we starting? We're starting shortly. Hey, Sambhav. Next time. Oh, no. Breakfast point, right? Yeah. 3:45 अब हम चल तो दिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ
बट हमारा पहला जो स्टॉप था वो ब्रेकफास्ट पॉइंट नहीं कॉफी पॉइंट था। हाँ सर 100 किलोमीटर हो गए। हो गए क्या? आई डोंट रियलाइज इट ऑल। देखो 100 किलोमीटर बोल तो रहे हैं यार, सुनने में तो यही है 400 किलोमीटर। कॉफी के लिए रुके, गर्मा गर्म सुबह कॉफी होगी और चाय होगी। कितने लोग कॉफी, कितने लोग चाय। We'll cover that in the next episode of Yercaud Ride.